नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग्स का आपस में टकराव होने की आशंका जताई जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं दूसरी तरफ नीरज बवाना गैंग ने दो दिनों के भीतर मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दे डाली है। इस बीच बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये फैसला लिया गया है। अब सलमान खान के साथ उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ ही मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही भी रहेंगे। आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है और इसी गैंग ने सलमान खान को कुछ साल पहले जान से मारने की धमकी दी थी। इसी को देखते हुए सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई है। पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद रहेगी कि राजस्थान से गिरोह कोई हरकत ना करे। लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर काला हिरण शिकार मामले के बाद सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। बिश्नोई समुदाय काला हिरण को पवित्र मानते हैं और इसके शिकार को लेकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। आपको बता दें कि साल 2008 में अदालत के बाहर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वे जोधपुर में सलमान खान को मार देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे फालतू में घसीटा जा रहा है। तो इस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिक्योरिटी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि मूसेवाला की हत्या सिक्योरिटी की कमी की वजह से हुई है ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि हत्या के एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने VIPs की सिक्योरिटी को हटा दिया था, जिसका बदमाशों ने भरपूर फायदा उठाया। इसी को देखते हुए अब सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।